कब्र तक जाने वाले अपने साथ राई मीटर कफनी लेकर जाते हैं, सरकारी नोट नहीं। क्या मतलब जी तुम्हारा? मतलब अजगर नाम है मेरा, मैं दस्ता नहीं निकल जाता हूँ। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? बड़े मियाँ टैक्सी लाइए जी। ऑपरेशन कामयाब हुआ है और पेशेंट को सुबह तक होश आ जाएगा। ओके, एक्सक्यूज मी, पेशेंट को होश आ गया है, अगर आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। नौकरानी बना को इनोच मेर को लेकर आया ना, दूध में जहर डाल को टेबल पे गिराने का ड्रामा भी इनोच मेर को करने को बोला, रुखसार भी का ब्रेसलेट भी ये शैतानी दिया ना मेरे को। तोबा तोबा तोबा, अल्लाह मुझे गलत करते अगर मैंने ये सब कुछ किया हो तो। नगमा बेटी, ये बेकाऊ औरत है, पहले इसे रुखसार ने खरीदा था और आज इसे इस्लामिया ने खरीद लिया है। कल तुझे ये जहर पिलाने आई थी और आज तेरे दिल में मेरे खिलाफ जहर उड़ेलने आई है। अरे भाई इस्लामिया, इस तरह मेरी भांजी के सामने जलील करके मुझे हवेली से बाहर निकालने की साजिश कर रहे हो? मैं ये जिल्लत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस हवेली को अभी इसी वक्त छोड़कर चला। नहीं मैं, मुझे नहीं, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मेरे होते हुए आपको इस हवेली से कोई नहीं निकाल सकता। नगमा अब भी वक्त है, दोस्तों और दुश्मन को पहचानो वरना। नगमा मुझे लगता है हमारे खिलाफ कोई जबरदस्त चाल है। चाल तो मैं तुम्हें लोगों के बदल दूंगी, माटी मिलो। जेल भिजवा के चक्की नहीं पिसवाया तो मेरा भी नाम नहीं। तुम्हें लोग क्या जानते, मैं वो बड़ा हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ती। असलम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि चाराने में बिकने वाली औरत को खरीद कर तुम मेरी आंखों में धूल झोंकने आओगे। बहुत पछताओगी तुम, देख लेना एक दिन ये दोनों तुम्हें खून के आंसू रुलाएंगे। चलो। सुन लिया बेटी, सुन लिया। ये कम वक्त बच कैसे गई? बड़ी जहरीली औरत है ये बेगम, दो तीन दिन में जितना माल हाथ लगे बटोर कर यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना सारी जिंदगी हम दोनों को जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। हाँ तुम इस कुर्सी पर? जी हाँ जनाब, इस कुर्सी पर बैठते ही मैंने सारा कारोबार संभाल लिया है। I say, get up from the chair. मैं जानता था नवाबी खून जरूर जोश मारेगा, लेकिन वकील साहब इन्हें ये बता दीजिए कि अब इस कुर्सी से मुझे ये तो क्या इनके फरिश्ते भी नहीं उठा सकते। हाँ मैं कहता हूँ all of you get out of here, वरना मैं। असलम मियां, ये रहा कोर्ट का ऑर्डर, ओरिजिनल ऑर्डर आपके दादा हुजूर को दे दिया गया है। आपकी सारी जायदाद नगमा के बच्चे के नाम है और नगमा ने पावर ऑफ अटॉर्नी अजगर साहब को दे दी है, अब इन्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। और हाँ वकील साहब, इन्हें जरा वो दूसरी बात भी बता दीजिएगा। और हाँ, आज के बाद आप इस ऑफिस में कभी नहीं आएंगे, आप यहाँ से जा सकते हैं। मेरी जान दे टोटे, अजगर नाम है मेरा, मैं डसता नहीं निकल जाता हूँ। वाह नगमा वाह, तुम्हारी वफा को मैं कभी नहीं भूल सकता और मैं भी तुम्हारी बेवफाई को कभी नहीं भूल सकती। कैसी बेवफाई? उस रोज जब तुम दिल्ली जा रहे थे, तुमने मुझे एयरपोर्ट से ये कहकर रवाना कर दिया था कि मुन्ना घर पर अकेला है, इसलिए ना कि रुखसार तुमसे मिलने आने वाली थी। रुखसार मुझसे नहीं, अपने अबूजान से मिलने आई थी। और तुम लौट कर बाहर मुझसे मिलने आए थे? हाँ तुमसे मिलने आया था, मेरी फ्लाइट 3 घंटे लेट थी, लेकिन जब तक मैं बाहर आया तुम जा चुकी थी। अगर फ्लाइट लेट थी तो मुझे फोन क्यों नहीं किया, घर क्यों नहीं आए? मगर नहीं असलम, तुम रुखसार की मोहब्बत को भुला नहीं सके, जिस औरत ने मेरी और मेरे बच्चे की जान लेनी चाहिए तुम उसी को चाहते रहे। I hate you, असलम, I hate you. Thank you.
भैया आधा किलो भिंडी के लिए। दादा हुजूर, जीती रहो बेटी। आज के बाद तुम काम पे नहीं जाओगी। आपकी खिदमत करने का हक मत छीनिए आप मुझसे दादा हुजूर। अगर असलम काम करते, आपकी खिदमत करते, तो क्या आप उन्हें भी काम नहीं करने देते? लेकिन बेटी, दादा हुजूर, जब से अब्बू और मुन्ना अल्लाह को प्यारे हो गए, तब से काम में दिल लगाकर उन्हें भूलने की कोशिश करती हूँ। दादा हुजूर, अब मेरे अब्बू नहीं रहे तो आप ही मेरे अब्बू हैं। असलम हमसे रूठ गए तो मैं ही आपके लिए असलम हूं। अरे हाँ, देखिए तो सही दादा हुजूर, आज मैं क्या लाई हूं? भिंडी। असलम को बहुत पसंद है ना? उसका नाम न लो हमारे सामने, जिसने तुम्हारी खुशनुमा जिंदगी को धूल में मिला दिया। ऐसा ना कहिए दादा हुजूर, इसमें असलम का क्या कसूर? उन्होंने वही देखा जो उन्हें दिखाया गया। अल्लाह एक दिन सब ठीक कर देगा। मैं खाना पकाती हूँ। दादा हुजूर, बिस्मिल्लाह कीजिए। बेटी, तू असलम के लिए रोज प्लेट लगा देती है। वो बदल गया है, वो अब नहीं आएगा। दादा हुजूर, पता नहीं क्यों मेरा दिल उनके कदमों की आहट महसूस कर रहा है। क्यों लगता है जैसे वो यहीं कहीं है। दादा हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए दादा हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए दादा हुजूर, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। बेटे, माफी हमसे नहीं, इस नेक औरत से मांग, इसने कभी तुम्हारे जुल्म की शिकायत नहीं की, कभी उफ तक नहीं की। रुखसार, नहीं असलम, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। असलम, बिस्मिल्लाह। तो मुन्ना को देखा ही नहीं, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। वही आंखें, वही नाक नक्शा, वही तुम्हारे जैसी प्यारी प्यारी सी मुस्कुराहट। उसकी बहुत याद आती है असलम, बहुत याद आती है उसकी। क्या बात है मामूजान? अरे मामूजान, मामूजान, मगर मामूजान बात क्या है, आप रो क्यों रहे हैं? मैं तो ये सोचकर रो रहा हूँ कि अगर तूने उस झूठी औरत की बातों पर यकीन कर लिया होता तो मैं तो जीते जी मर गया था ना। और मैं ये सोच रही हूँ कि रुखसार ने असलम के दिल में तुम्हारे खिलाफ कितना जहर घोला होगा और अब भी वही कर रही होगी। वो नौकरानी, इसका मतलब है कि असलम रुखसार के पास पहुँच चुका है। मैंने कहा था ना कि शौहर के दिल से पहली बीवी की मोहब्बत कभी नहीं जाती। सोच, कुछ सोच बेटी, इस दिमागी उलझन से निकलने का कोई रास्ता सोच। अब असलम तेरा नहीं रहा। मेरी बात मानो, तुम उससे तलाक ले। अब तलाक लेकर ही तुझे सुकून मिल सकता है।
कौन?